बंगाल को आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को, मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी क्या ठेका लेके बैठे हुए मुसलमानों का? अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान इतने बुरे हाल में क्यों है। अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। अधीर रंजन चौधरी तुम जानो, जान लो इस बात को कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलने वाला है। अभी हर आप हार रहे, कल तक जब पूरे एग्जिट पोल्स आ रहे थे तो मिठाइयां खा रहे थे, आप फूल बांट रहे थे, आसमान पे उड़ रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, वो आ गए आ गए आ गए। अरे 70 सीट दिए ना, क्या किया आपने वो तो बता दो। क्या क्या मैंने मैं आपको एक वाकया शेयर कर रहा हूं। जब ये आखिरी दिन का कैंपेन खत्म हुआ 5 तारीख को, तो मेरी मीटिंग थी कोचादामन में। मैं कोचादामन से मीटिंग खत्म करके जा रहा था, तो इस हमारी विक्ट्री में बता रहा हूं आपको बहुत बड़ा रोल महिलाओं का रहा। मैं अपनी लाइफ में इतनी पब्लिक मीटिंग्स किया हूं, मगर एक एक पब्लिक मीटिंग में इतनी बड़ी तादाद में महिला आते थे कि गैर मामूली। और यकीनन मैं कह रहा हूं कि उनका बहुत बड़ा रोल रहा। जब मैं लास्ट मीटिंग करके जा रहा था, तो मेरे को उन महिलाओं ने रोका कि सेल्फी लेना है। बोले बराबर लीजिए, और मैं भी चाह रहा था कि सेल्फी लिए। उसके बाद एक महिला ने मुझसे कहा कि वैसी तुम्हारे बारे में बहुत अनाप शनाप बोल रहे हैं ये लोग, इनको 7 तारीख को हम बताएंगे और तुम देखना जब वो डब्बा खुलेगा इसका जवाब हम दे देंगे। देख लीजिए आप, बागडोरा एयरपोर्ट पर मैं गया, मेरे को रोक कर वहां पे महिलाओं ने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं मगर वापिस आएंगे, बड़ा अनाप शाप तुम्हारे बारे में कहा है। आप बोलते जाइए, मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप जितना बोल सकते बोलिए, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा, जनता जवाब देगी, खुदरत जवाब देगी, मेरी मौत मेरे को रोक सकती। ये क्या बात है, आप जो यानी कोई बात है बोले जा रहे हैं, जो मुंह में आया बोलते हैं, कुछ तो रुकना चाहिए ना। गठबंधन का जो फॉर्मूला है, बिहार में बहुत अच्छा काम किया, बंगाल में भी इस तरह की संभावनाएं तलाशने के लिए क्या आप कोशिश करेंगे, और कौन कौन से ऐसे पार्टी आप समझते हैं जो आपकी विचारधारा से मेल खाती हैं और जिनसे कुछ? तिवारी साहब, हमको तो कोई हाथ लगाने तैयार नहीं है ना। ऐसा लगता है कि इसको हाथ लगाओ तो 550 केवी का शॉट लग जाएगा। हम करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, हमारा काम कोशिश करना है, लड़ना हमारा काम है, देखेंगे आगे क्या होता है। गठबंधन की कोशिश, अरे भाई इलेक्शन जीतने के लिए जो भी डेमोक्रेटिक उसूल है उसको अपनाएंगे।